हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक अमन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में ना हम यहाँ पे बात करेंगे इंस्टाग्राम के बारे में। अब जैसे कि आप सभी को तो पता ही होगा कि काफी टाइम पहले से इंस्टाग्राम में एक अपडेट आया था, जिसके बाद अगर आप किसी का भी लाइक रील देखते हो या फिर इंस्टाग्राम पे किसी का वीडियो देखते हो, तो वहां पे जब भी आप उस लाइक कुछ वीडियोज होती है आपको पसंद आ जाता है और आप चाहते हो कि मैं ना इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं, मैं इसे स्टोरी पे अप्लाई करूं, लाइक स्टोरी पे अपने लगा लूं। तो पहले तो ना जब आप इस वीडियोज को लगाते थे तो वो जितने भी ड्यूरेशन का वीडियो होता था उसमें से वो 60 सेकंड का कट होके ऑटोमेटिकली आपकी स्टोरी पे लग जाता था। लेकिन अगर इस नए वाले अपडेट की बात करें ना गाइस, तो नया वाला अपडेट भी काफी टाइम हो गया, मेरे हिसाब से 6 महीने से ऊपर हो गया होगा। तो उसके बाद से अगर आप लाइक कोई भी वीडियो 30 सेकंड का और आप चाहते हैं कि मैंने ये स्टोरी पे लगाऊं, तो वो वहां पे 15 सेकंड ही प्ले होता है, उसके बाद वो प्ले नहीं होता। तो लाइक जो मेन पॉइंट होता है, क्या पता वो 15 सेकंड के बाद का आप दिखाना चाह रहे हो अपने फ्रेंड्स को, तो वो वहां पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहा होगा। सो गाइस, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे यहाँ पे फुल वीडियो को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा सकते हैं। अगर आपको जानना है गाइस, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें बिना आपका समय गवाए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस देखिए, आपको करना क्या है, करने का तो एक ही ऑप्शन है इसमें फिलहाल, वो है कि आपका जो मेन इंस्टाग्राम अभी ऐप है, अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप सिंपल सा उसको अनइंस्टॉल कर दे अपने इंस्टाग्राम को, और उसके बाद ना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव का, वहां पे आप सिंपल सा जाए और वहां से ना वो वाला आप इंस्टाग्राम इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपल सा अपना आईडी लॉगिन कर ले। लेकिन ना इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको कुछ टाइम के लिए देखने को मिलेगा, हो सकता है 2-4 घंटे के लिए। वो क्या होता है कि जब भी आप अपने किसी फ्रेंड से बात करोगे ना, तो उसको रिप्लाई देने के लिए आप स्वाइप करके रिप्लाई का ऑप्शन आता है, तो वो वहां पे ना कुछ टाइम के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़े ही देर बाद आप बड़े ही आसानी से उसको उस तरीके से रिप्लाई दे सकते हो। और रही बात यहाँ पे फुल स्टोरी लगाने की, तो आप सिंपल सा रील्स वाले सेक्शन में जा सकते हो। आपको वहां पे जोन सा भी रील आपको लगाना हो, आप उसे सिंपल सा सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद जब भी आप उसे अप्लाई करोगे ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना आपको 60 सेकंड का रील अप्लाई होते हुए दिखेगा। और इसमें एक दो कुछ और भी ऑप्शंस होंगे, वो आपको मिसिंग लगेगा कि मेरे मैंने जब इसे अनइंस्टॉल किया था उससे पहले ये ऑप्शंस थे, लेकिन अभी ये ऑप्शन मुझे देखने को नहीं मिला है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे सिंपल सा बता दूं, आप ज्यादा नहीं, आप 2-4 घंटा वेट करोगे ना, तो आपका जो भी पहले का था, लाइक पहले आपके में जो सर्च ऑप्शन जहाँ पे जोन सा ऑप्शन था, वो सारा ऑप्शन आपको एज इट इज वहीं पे देखने को मिलेगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप जब भी अपने ऐप्स को अगर डेली अपडेट करते हैं, तो आप उस ऐप को यहाँ पे अपडेट ना करें। अगर आप उसे फिर से अपडेट करोगे तो वो पहले जैसा ही हो जाएगा, लाइक 15 सेकंड का ही सिंपल सा आप स्टोरी वहां पे लगा सकते हो। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने लाइक ये काफी टाइम से ये वाला ऑप्शन मैं यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स भी मेरे पूछते थे कि भाई हमारे में तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा, हम 15 सेकंड से बड़ा वीडियो लगा ही नहीं पा रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना, क्या पता ये ज्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक छोटा सा वीडियो बना के आप सभी को इसके बारे में बता दूं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो इस वीडियो को तो अपनी तरफ से एक लाइक करिएगा, और इस वीडियो का लाइक हम ज्यादा नहीं 20 लाइक्स का रखते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।